सो हे गाइस, वेलकम टू अर्न विद ऐप सीरीज, जहां पर आप लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों ही बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। तो अगर आपको पता है कि यार हाँ, इस सीरीज के दौरान आप किस तरीके से रिवॉर्ड जीत सकते हो, तो आप 10-20 सेकंड फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर नहीं पता तो आप देखो किस तरीके से आप रिवॉर्ड इस कोर्स के दौरान जीत सकते हो। देखो करना क्या है ना, सिंपली बहुत सिंपल फंडा है। जो भी कोड मैं करा रहा हूँ वो कोड आपको करना है, करने के बाद उसको गिटहब पे अपलोड करना है। आपने जो प्रोजेक्ट बनाया वो कोड मैं आपको, जो भी मैं कोड करा रहा हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दूंगा, उस कोड में आप कस्टमाइज करो या ना करो, उसको गिटहब पे अपलोड करने के बाद आपको करना है कमेंट। कमेंट करते वक्त अपना गिटहब का जो लिंक है, रिपोजिटरी का लिंक, वो पेस्ट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ये तीनों चीज करके उसके बाद आपको मैं, अगर आप मेरी हर वीडियोज में लिंक जो डाल रहे हो, हर प्रोजेक्ट को बनाकर डाल रहे हो, कर रहे हो, मुझे लगेगा हाँ भैया आप बहुत सीरियस हो, तो आपको मैं पिक करूंगा हर 15 दिन पे, ना कि एक महीने पे। 15 दिन पे पिक करने के बाद, जूम मीटिंग पर आने के बाद, कुछ बेसिक से एंड्रॉइड के क्वेश्चन, एंड देन आफ्टर दैट यू विल गेट द रिवॉर्ड। आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, बढ़िया, बहुत बेहतरीन रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो होप सो गाइस कि आप समझ गए क्या करना है। सिंपली प्रोजेक्ट करना है, गिटहब का लिंक डालना है, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब, लाइक वगैरह वीडियो करने के बाद, उसके बाद आप बस करते जाना, यही करते रहना, करते रहना, करते रहोगे तो देन डेफिनेटली आपका भी नंबर आ जाएगा और आपको रिवॉर्ड एक दिया जाएगा। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। चलो अब बात करते हैं कि इस वीडियो में अपन कौन सी ऐप बनाने जा रहे हैं। तो भाई इस, ये है एनिमेशन पार्ट टू। अभी तक हमने एनिमेशन पार्ट वन देखा था, तो पार्ट वन में हमने देखा था कि बाय डिफॉल्ट हमें एंड्रॉयड में किस तरीके से एनिमेशन मिलता था, वो हमने यूज किया था। बट अब मैं बोल रहा हूँ कि बाहर से, मतलब थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, और मेरे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक को भी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि ऑनलाइन एनिमेशन आप यूज कर सकते हो। देखो सिंपल फंडा, हम दो तरीके से खाना मतलब खाते हैं, एक तो जो मम्मी बनाती है घर पे वो, और एक जोमेटो से या स्विगी या बाहर रेस्टोरेंट से हम ऑर्डर कर रहे हैं, मंगाते हैं वो। तो मैंने अभी तक आपको मतलब घर से जो बाय डिफॉल्ट हमें मिलता था एंड्रॉयड में एनिमेशन, वो तो मैंने आपको बता दिया। बट बाहर किस तरीके से मिलता है, एंड्रॉयड के बाहर की जो दुनिया है, बाहर से किस तरीके से एनिमेशन यूज कर सकते हो, वो बताऊँ। तो चलो फिर इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको पता है यार, सपोर्ट कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भूलना मत ये अर्न विद ऐप सीरीज है। चलो फिर इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा बिल्कुल एम्प्टी प्रोजेक्ट है। यहाँ पर मेन .xml और .kt दोनों फाइल में कुछ नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल एम्प्टी है, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, अगर बाहर से आपको एनिमेशन यूज करना है तो दो तरीके हैं। पहला तरीका, आपको एक बहुत बेहतरीन वेबसाइट बता रहा हूँ, आप आओगे क्रोम में, क्रोम में आने के बाद आपको सर्च करना है लॉटी एनिमेशन। मैं इसका URL दे दूंगा आपको, तो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट कि आप यार क्या सर्च करोगे, कहाँ जाओगे, URL आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। इस बात पे तो लाइक बनता है ना, बनता है ना। देखो लॉटी एनिमेशन पे आना, और यार अपने जो भी साइन इन है या साइन अप है, अगर फर्स्ट टाइम आ रहे देन यू विल डू साइन अप, तो साइन अप कर लेना। अगर यहाँ पर जैसे ऑप्शन आ जाता है तो वो समझदार हो गए। तो यहाँ पर आने के बाद जैसे लॉगिन कर लोगे तो फर्स्ट इंटरफेस ऐसा होगा, लॉगिन तो आप लोग कर ही सकते हो। और देखो यार ये जो वेबसाइट है लॉटीज फाइल, सो वेट गाइस, यहाँ पर मैं आपके स्पीड को 50x टाइम बूस्ट करने आया हूँ। तो अभी आप कछुए की चाल चल रहे हो, बट मैं बोल रहा हूँ कि भैया खरगोश की स्पीड से भागो, बस सोना मत। तो कैसे, किस तरीके से भाग सकते हो, देखो यार अभी तो आप ये कोर्स देख रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया कर रहे हो, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, वेल एंड गुड। बट मैं ये बोलने वाला हूँ कि अगर आप अपनी स्पीड को और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हो तो आप मेरे से पर्सनल लाइव ट्रेनिंग भी ले सकते हो। मैं पर्सनल एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन सब के बैचों को रन करता हूँ। अगर आप भी उन बैच में एनरोल करना चाहते हो तो आप बिल्कुल एनरोल कर सकते हो, और जो उसकी फीस होने वाली है वो 1,00,000 रुपये महीना पर मंथ होने वाली है। बिल्कुल, अरे बिल्कुल नहीं यार, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी जो फीस है वो बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस होने वाली है। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन कर लेते हो और फिर उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हो जॉब के लिए, तो आप 1,00,000 रुपये महीना कमा सकते हो, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। इस कोर्स में मैंने ऐसे किए भी हैं, और कितने बंदे सेटल्ड हैं, जिसको अभी 20,00,000 का भी पैकेज रिसेंटली एक स्टूडेंट का लगा हुआ है बैंगलोर में। तो यार ऐसा है, जो हकीकत है मैं बता रहा हूँ, तो आप भी उसमें से एक हो सकते हो। तो ज्वाइन करो यार, देरी मत करो, बिल्कुल लाइव ज्वाइन कर सकते हो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये बहुत बेहतरीन वेबसाइट है, यहाँ पर आपको हर टाइप का एनिमेशन आपको मिल जाएगा, और आप उसको अपने ऐप में, एंड्रॉइड ऐप में यूज कर सकते हो। देखो और कौन कौन सी कंपनी यूज करती है, देखो नेटफ्लिक्स यूज करती है, ट्रस्टेड बाई कंपनीज वर्ल्ड वाइड यूजर्स फ्रॉम, तो मतलब है यार अच्छा खासा इनका नाम वगैरह है। देखो डेमो देख सकते हो, ये बताऊंगा मैं
ठीक है। तो अभी देखो आपको लॉग इन करने के बाद यहाँ पर आना है गो टू माई डैशबोर्ड या फिर ये सर्च जो एनिमेशन यहाँ पर सर्च कर, सिंपली यहाँ पर सर्च करते हैं क्या रनिंग। मैं एक ऐसा एनिमेशन चाहता हूँ जो भागे, भाग मिलकर भाग, ये संतरा भाग रहा है क्या, भाग रहा है भाई अंगूर है क्या है, कि मैं ये कार वाला एनिमेशन लगाना चाहते हैं, ओला जैसा लग रहा है, ठीक है। तो मैंने उस एनिमेशन पर क्लिक किया, सिंपली मैंने यहाँ पर जो भी एनिमेशन चाहिए मुझे कि मैं इस टाइप का एनिमेशन अपने ऐप में लगाना चाहता हूँ वो एनिमेशन यहाँ लिखूंगा, उस टाइप का मतलब लिखूंगा, रनिंग मैंने लिखा। अब मुझे ये कार लगानी है कि यार मस्त लग रही है यार एकदम मस्त, तो इसको मैंने यहाँ पर लिया। इसको लगाने के लिए मुझे यहाँ पर डाउनलोड का बटन दिख रहा होगा, इस डाउनलोड के बटन पर क्लिक करने से सिंपली डाउनलोड नहीं हो जाएगा ये और आप इसको लगा नहीं सकते हो, थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी मैं बताता हूँ इसको, मतलब अगर आप लॉटी फाइल में से कोई भी एनिमेशन की फाइल अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में, एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में यूज करना चाहते हो तो आपको इसके लिए एक डिपेंडेंसी डालनी होगी। तो यहाँ पर जैसे स्क्रॉल डाउन करूंगा देखो नीचे यूज एनिमेशन इन करके ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर देखो मल्टीपल ऑप्शन है, एंड्रॉइड का हम ऑप्शन चूज करेंगे बिकॉज वी आर एंड्रॉइड डेवलपर राइट। तो मैं एंड्रॉइड के आइकॉन पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो इसका मतलब ये है कि ये एंड्रॉइड में मुझे बताएगा किस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अगर आप iOS में जाओगे तो iOS में एप्पल पे क्लिक करो तो एप्पल में किस तरीके से यूज करते हो ये बताएगा। तो हम तो भैया एंड्रॉइड वाले हैं तो एंड्रॉइड पे हो, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले ये बोल रहा है कि चूज योर लॉटी फाइल, ठीक है हमने चूज कर लिया भैया, मैं ये BMW जो भी कार है ये कार लगाना चाहता हूँ, चूज कर लिया भाई। दूसरी स्टेप, सेकंड स्टेप में देखते हैं सेटअप योर प्रोजेक्ट। तो सेटअप योर प्रोजेक्ट में बोला है कि भाई ये जो लाइन है ये दो लाइन ये आपको डालना है कहाँ पर, मैं बताता हूँ कहाँ पर। तो आपको आना है अपने प्रोजेक्ट, यहाँ पे आने के बाद आपको आना है प्रोजेक्ट में, यहाँ ये वाला प्रोजेक्ट भाई, ठीक है। पहले तो एंड्रॉइड स्टूडियो वाला प्रोजेक्ट था, यहाँ आना है। फिर यहाँ पे आने के बाद ये हायरार्की दिख रही होगी आपको, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको ग्रिडल स्क्रिप्ट में आना है, इसको एक्सपेंड करना है, क्लिक करोगे तो एक्सपेंड हो जाएगा एरो पे। फिर आपको ये build.gradle ये मॉड्यूल ये दिखाया ना जो देखो ये वाला, यहाँ पे आपको क्या करना है ना, यहाँ पर डबल क्लिक करना है मॉड्यूल ऐप पे, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर एक आपको सेक्शन दिखेगा, ये तो ऊपर की बात है, नीचे आओ, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो डिपेंडेंसीज, यहाँ पर आपको जो मैंने लाइन दो कॉपी की थी वो लाइन यहाँ पेस्ट कर। तो भैया ये डिपेंडेंसी क्या है और ये दो लाइन का मतलब क्या है, अब ये समझो। देखो डिपेंडेंसीज का मतलब ये कि इसके अंदर अगर आप कोई भी लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी इन द सेंस अगर आप बाहर की चीजें यूज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर ये डिपेंडेंसी के अंदर ये तो जो लाइन है इसको अपन लाइब्रेरी बोल सकते हैं, कि अगर आप बाहर की चीजें, बाहर के जितने भी कोड्स हैं वो यूज करना चाहते हो, वो एंड्रॉइड स्टूडियो में नहीं है, वो बाहर बने हुए हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो से बाहर बने हुए हैं, तो उनको यूज करने के लिए आपको ये डिपेंडेंसी यहाँ पर डालनी होती है, इंप्लीमेंट Airbnb करके। ये हमें एंड्रॉइड स्टूडियो बाई डिफॉल्ट सपोर्ट नहीं देता है, हम बाहर से लेकर आकर यहाँ पर डाल सकते हैं, फिर हम लॉटी एनिमेशन के जितना भी कोड है वो कोड यूज कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन। होप सो आपको बात समझ में आ रहा होगा। मतलब वही बात है यार, अगर आपको फूड ऑर्डर करना है तो यार जोमेटो है ना, थर्ड पार्टी जोमेटो है, जोमेटो से आप ऑर्डर करते हो ना कि डायरेक्ट रेस्टोरेंट से, तो जोमेटो की तरह आप समझ सकते हो कि पहला ये जो है ये थर्ड पार्टी की तरह काम कर रहा है, फिर ये पूरा अपना कोड यूज करने के लिए हमें बोलेगा। तो देखो यहाँ पर मैंने ये डाला हुआ, इसका मतलब क्या है, ये लॉटी एनिमेशन वर्जन है, मतलब 3.4.0 अभी करंट वर्जन ये है। तो आप इसको यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कुछ ऐसा भी लिख सकते हो 3.4.0 ऐसा, तो भी ये वर्क करेगा, यहाँ पर दो नहीं लगेगा एक लगेगा, बट आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो जैसे ये लिखा हुआ था, जैसे लिखा हुआ था वैसे ही करते हैं। समझ, आई होप आपको डिपेंडेंसी का मतलब समझ में आ गया, और डिपेंडेंसी आप इसलिए डालोगे क्योंकि आप इसके अंदर का जितना भी कोड है वो कोड यूज करना चाहते हो तो आपको ये डिपेंडेंसी यहाँ डालना होगा, कहाँ पर, build.gradle मॉड्यूल में। ये डालने के बाद आपको सिंक नाउ के बटन पर क्लिक करना है, जैसे आप सिंक नाउ के बटन पर क्लिक करोगे तो मेक श्योर आपका जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए बिकॉज ये इंटरनेट से लाइब्रेरी को डाउनलोड करता है, फिर आप इसके कोड्स को यूज कर सकते हो। तो इसने कर दिया, बहुत सही। अब आते हैं यहाँ पर मेन एक्टिविटी डॉट XML में। अब मैं आता हूँ अगेन यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में, तो ये बोलेगा भैया ये जो है ये कोड आप ऐड करना है आपके लेआउट में। देखो ये लेआउट, मैं क्या करूँ, कोड को कॉपी करूंगा और अपने लेआउट में आऊंगा, यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आने के बाद मैं इसको पेस्ट करूँ। जैसे ही मैं पेस्ट करता हूँ तो ये एरर दे रहा है बिकॉज मैंने कॉन्स्टेंट लेआउट यूज कर रहा हूँ, तो मैं कॉन्स्टेंट लेआउट को भी हटा ही देता हूँ, ठीक है। मैं लीनियर ले लेता हूँ, लीनियर लेते लेते आपको पता ना क्या देना रहता है, बताओ कमेंट करके। अगर आप जब भी लीनियर लेआउट यूज करोगे तो आपको क्या देना है, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन वर्टिकल दे दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैच पेरेंट और हाइट है इसकी रैप कंटेंट, तो मैं हाइट इसकी 150 dpi करता हूँ जिससे कि आपको पता चले 150। तो यहाँ पर मैंने ये कर दिया सेंटर में लाने के लिए। गाइस आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिख दो सिंपली ग्रेविटी, यहाँ पे यूज करूंगा मैं ग्रेविटी एंड देन यहाँ पर सेंटर, ओके। जैसे ही मैंने यूज किया तो आप देख सकते हो जो मेरा ये था लॉटी एनिमेशन सेंटर में आ चुका है, राइट। अब यहाँ पर URL देना रहता है JSON, replace JSON URL।
तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कैसे यूज करेंगे। देखो इसमें आपको अगर कोई भी एनिमेशन यूज करना है तो दो तरीके हैं। एक पहला तरीका GIF में कन्वर्ट कर लो, या फिर दूसरा तरीका उसको JSON में कन्वर्ट कर लो। मतलब यहाँ पर हमारे पास दो तरीके, देखो मैं दिखाता हूँ। जैसे ये हकार है, मुझे इसको यूज करना है, तो मैं दो तरीके, मतलब यहाँ पर तरीके बहुत है, मैं दो तरीके बता रहा हूँ। पहला तरीका GIF में इसको यूज डाउनलोड करके कर सकते हो, दूसरा तरीका जो सबसे पॉपुलर है वो JSON में इसको डाउनलोड करके। तो मैं लॉटी JSON दिखाता हूँ, GIF बाद में देखेंगे। और MP4 भी है और ARXIV भी है, तो छोड़ दो, MP4 भी यूज कर सकते हो, वो इन फ्यूचर हम देख लेंगे, बट अभी दो देखते हैं। तो लॉटी JSON में मैं क्लिक करता हूँ, तो ये JSON के JSON फॉर्मेट होता है। JSON की फुल फॉर्म जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये फुल फॉर्म होती है। मतलब ये है कि यार ये एक फॉर्मेट है कि आपका डेटा जो है उस फॉर्मेट में होगा, आप ऐसे समझ सकते हो। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप सर्च कर लेना एक बार, अगर नहीं समझ में आए तो मैं बता दूंगा आपको। अभी यहाँ पर फोकस करते हैं। तो देखो मैंने इस कार को डाउनलोड कर लिया, यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है, राइट। अब मैं आता हूँ यहाँ पर अगेन डॉक्यूमेंटेशन पे। अब देखो ये जैसा बोलेगा वैसे ही करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर सारा उसने लिख के दे दिया है, ठीक है। तो अब क्या बोला इसने कि भैया मैंने ये तो ऐड कर लिया, बिल्डिंग एनिमेशन विद योर ऐप। अब ये क्या कह रहा है कि अपग्रेड, ओके। यहाँ पर इसने कुछ बताया, कोई नहीं इसने नहीं बताया, बट मैं तो बताऊंगा ना, टेंशन का है, नहीं तो आपने प्रोजेक्ट पे, ओके गाइस। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट पे आना है, फिर प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको रेस पे आना है। रेस पे आने के बाद आपको राइट क्लिक एंड देन न्यू, और न्यू पे जाने के बाद एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी, ये करना है। ये क्यों करना है? बिकॉज जो भी भैया JSON डाउनलोड किया था उसको अपन रखते हैं रॉ में, याद रखना यहाँ पर रॉ में। तो मैं रॉ सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास एक रॉ फोल्डर यहाँ बना हुआ आ चुका है। जैसे कि अगर हमें इमेज यूज करनी थी अपने ऐप में, तो अपन कहाँ पटकते थे उसे? ड्रॉएबल फोल्डर में ना, यहाँ पर मैंने पटकी हुई है इमेज, देखो एंड्रॉइड की भी है और इसके गूगल की भी है, राइट। बट मैं क्या कह रहा हूँ, JSON इसका तो भैया ये जो PNG है, ये PNG है, तो PNG को तो अपन ड्रॉएबल में रख सकते हैं, बट JSON को अपन रॉ में रखें। तो मैंने JSON जो डाउनलोड किया था, मैं आता हूँ उसको नाम चेंज करना रहेगा, बिकॉज ऐसे नाम यार अलाउ नहीं है। तो मैं इसके नाम को चेंज करके मैं रनिंग लग देता हूँ, रनिंग, ओके, running.json, ये परफेक्ट है। मैं इस JSON को कॉपी करूंगा यहाँ से, और आपको पता है कहाँ पेस्ट करूंगा? ड्रॉएबल में नहीं, क्योंकि ड्रॉएबल में हम इमेज पेस्ट करते हैं। मैं यहाँ पर रॉ मैंने जो बनाया था वहाँ पेस्ट करूंगा, कंट्रोल वी किया मैंने, ओके, एंड देन यहाँ पर हमारे रॉ फोल्डर के अंदर ये JSON आ चुका है। तो JSON को यहाँ पर अपन लाकर पटक दिया, ऑल गुड। तो यहाँ पर URL, तो जो ये URL है, इसका मतलब आप यहाँ पे जो भी URL अभी बना है इसको भी दे सकते हो। देखो ये URL है, ठीक है, इससे भी आप यूज कर सकते हो, बट मैंने JSON वाला बताया, तो पहले URL वाला ही देख लेते हैं, दोनों सब सीखो यार। तो URL देखो मैंने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, ऑल राइट। अब मैं इसको अगर URL को यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो ये मेरे को एनिमेशन दिखने चाहिए, तो वो दिख रहा है, ऑल राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इस URL को कॉपी करता हूँ अगेन, ये लॉटी एनिमेशन URL, और यहाँ पर इसको डालता हूँ। तो भाई देखो जैसे ही ऐप रन हुई, तो आप देख सकते हो हमारा जो एनिमेशन है वो बिल्कुल मस्त तरीके से दिख रहा है। हमारी कार भाग रही, मेरे को यार ओला जैसा लग रहा है ये, ठीक है, मेरे को लग रहा है ओला वालों को तो नहीं ले लिया मैंने, चलो ठीक है। बाकी आप जो भी यूज कर सकते हो। तो ये था URL से यूज करना, मतलब आप अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में कुछ नहीं करोगे। URL से एक बार और रिपीट करता हूँ, सबसे पहले हमें डिपेंडेंसी डालनी है लॉटी एनिमेशन की, कहाँ पर? build.gradle मॉड्यूल में, ये डाल दिया। फिर जो भी एनिमेशन आपको पसंद है, वेबसाइट पे जाओ, जो पसंद है उसका URL यहाँ देखो, जो भी क्लिक करोगे URL यहाँ आ चुका है, इस URL को कॉपी करो और आपको main.xml में यहाँ पर पटक देना है ये URL के अंदर, ठीक है। तो आप कोई भी एनिमेशन यूज कर सकते हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मैनिफेस्ट में इंटरनेट परमिशन देनी है, नहीं दोगे तो नहीं होगा। देखिए पहला तरीका URL दे सकते हो, दूसरा तरीका मैं इस लाइन को ही हटाता हूँ, दूसरा तरीका मैंने बताया था रॉ, मतलब हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में ला कर रखेंगे, यहाँ से यूज करेंगे। तो यहाँ मैं देता हूँ रॉ, रॉ लिखो के आ गया, लॉटी रॉ फाइल, रॉ ऐसे करके आ रहा है, और इसके अंदर मैं दे दूंगा रनिंग। तो मैं रनिंग लिखूंगा तो आ गया, देखो @ रॉ के अंदर एक रनिंग नाम का एक फाइल है, मैंने इसको यहाँ पर दिया, एंड देन मैं अब यहाँ पर रन करूँगा अपने ऐप को। तो यहाँ पर आपको इंटरनेट की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, और जब URL से फेच करोगे तो वहाँ आपको डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी, बट यहाँ नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर भी हमारी ऐप अगर रन होगी, आप ऐप रन करके देखोगे तो ऐप रन हो चुकी है, और फिर भी हमें अपना स्टिल URL जो हमारा एनिमेशन है वो दिख रहा है। आई डोंट नो ये क्यों एम्यूलेटर ब्लिंक कर रहा है, ये एम्यूलेटर की प्रॉब्लम है ना, ओके। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये हो गया, पहला URL, दूसरा रेस फोल्डर, ओके। तीसरा क्या है? तीसरा है GIF इमेज, तो वो भी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं डाउनलोड के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पर GIF का दिख रहा है ऑप्शन, GIF। तो GIF की फुल फॉर्म क्या होती है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आप बताओगे क्या है, ठीक है। GIF पे क्लिक करने के बाद कस्टम GIF का ऑप्शन आया, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अगर आप लॉग इन कर लेते हो, देन यू कैन कस्टमाइज, देख रहे हो बैकग्राउंड में यहाँ पर जो भी कलर है आप वो भी दे सकते हो, लाल पीला नीला जो पसंद है वो दे सकते हो, तो थोड़ा सा ना अलग कलर देंगे,
चलो ये अच्छा लग रहा है ये देते हैं। रेजोल्यूशन भी बढ़ा सकते हो 500 एंड कन्वर्ट टू JPEG। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा सा टाइम तो लेगा यार, तो वैसे यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है, तो अपन क्या करते हैं इसको हटाते हैं। अगर आपको GIF इमेज, मतलब GIF इमेज आपको हो पता होगी, GIF इमेज में लिखता हो तो यहाँ पर अपन देखते हैं। मैं पहले आपको GIF इमेज समझा दूँ, अगर वैसी इमेज होती है जो ये मूव होती रहती है, जो ये कार्टून देखो ये उछलता है, ये GIF इमेज है, मतलब ये है इमेज, ये और कुछ नहीं, वीडियो वीडियो नहीं, ये इमेज है। तो ये कार्टून अगर ऐसे से उछल रहा है, इसको अगर लगाना हो, इन द सेंस अगर आपको GIF इमेज अगर लगाना हो एज अ एनिमेशन, मतलब एनिमेशन JSON में और URL में तो आप लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ लॉटी, बट अगर आपको GIF इमेज लगाना है तब आप GIF इमेज कोई भी डाउनलोड करो। अभी मैं यही डाउनलोड करता हूँ, इस कार्टून को डाउनलोड करते हैं, तो यहाँ से मैं सेव इमेज एज करूँगा और इसका एक्सटेंशन एक बार देख लूँगा तो GIF इमेज है, तो मैं इसको लिख लूँगा, कुछ भी अपना नाम दे देता हूँ, कार्टून दे देता हूँ, पता नहीं कौन सा कार्टून है, कार्टून दे दिया और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो GIF इमेज तो सेव हो गई। अब GIF डिपेंडेंसी आपको ये सर्च करना है, बिकॉज GIF की अलग डिपेंडेंसी आती है और लॉटी का यूज़ करना है तो लॉटी की अलग डिपेंडेंसी है। तो मैंने GIF git dependency नाम लिख करके यार GIF dependency android ऐसे सर्च करता हूँ, और यहाँ पर मेरे को जो फर्स्ट URL मिल रहा है ना, कोरल एंड्रॉइड GIF ड्राइवर, इस पर आऊँगा और यहाँ पर मुझे इसकी डिपेंडेंसी मिलेगी, मतलब GIF इमेज यूज़ करना है तो फिर मुझे ये भी डिपेंडेंसी डालना रहेगा। तो मैं कॉपी करूँगा डिपेंडेंसी को और आपको बताना कहाँ हुआ, अपने प्रोजेक्ट में बिल्ड डॉट ग्रेडल में, यहाँ पे आने के बाद मैं अपना GIF इमेज का भी जो डिपेंडेंसी है वो डाल दूंगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट भी डालूंगा। तो मैं लिख दूंगा GIF फर्स्ट GIF इमेज, ऐसा कि समझ में आया भैया कोड क्या लिखा हुआ है। डिपेंडेंसी डालने के बाद हमें इसको करना रहता है सिंक, जैसे ही सिंक कर दिया मैंने तो ये थोड़ा सा टाइम लेकर सिंक कर देगा, तब तक अपन आते हैं वेबसाइट पे और स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, इसका XML वाला कोड, देखो ये वाला। तो मैं क्या करूँगा, इस कोड को कॉपी करूँगा, P1 करके है भाई, ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पर इसने इसको इंस्टॉल भी कर दिया, सिंक कर लिया। अब यहाँ आऊँगा, पहला तो हमारा ये लॉटी एनिमेशन वाला था, देखो दिख रहा है लॉटी Airbnb लॉटी एनिमेशन, और नीचे मैं GIF वाला डालूंगा, दोनों अलग अलग हो गए राइट। तो अलग अलग हो जाने के बाद यहाँ पर मैं अपने इमेज का बोल रहा हूँ भैया पाथ मांग रहा है, इमेज ड्रॉएबल में ही रखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज, नॉर्मल PNG JPEG जो भी इमेज होती है वो अपन ड्रॉएबल में रखते हैं, एंड अगर आपकी GIF टाइप है उसका वो भी आप इमेज ड्रॉएबल में ही रखोगे। तो मैंने यार ये कॉपी किया था ना, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से डाउनलोड किया था मैंने, मेरी ये कार्टून ही रहा, इसको कॉपी करता हूँ और अपने ड्रॉएबल में आने के प्रोजेक्ट में आने के बाद मैं ड्रॉएबल पे आकर उसको पेस्ट करूँगा। तो मैं पेस्ट पे क्लिक करता हूँ, मेरा ये अगेन मैं ओके करूँगा और कार्टून डॉट GIF ओके करूँगा। अब यहाँ पर मैं देता हूँ अपना कार्टून, देखो कार्टून दिया और ये कार्टून यहाँ पर हमें प्रीव्यू में भी दिख रहा है, यहाँ भैया यहाँ पर दिख गया, और ये जो बैकग्राउंड मांग रहा है इसको अभी हम बैकग्राउंड नहीं दे रहे, हटाते हैं। तो यहाँ पर जो पहला जो था भाई वो क्या है, वो आपका क्या हो गया लॉटी एनिमेशन, और दूसरा जो नीचे है वो हो गया GIF। अब मैं इन दोनों को रन करता हूँ तो दोनों साथ में दिखने चाहिए, एक बार देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी इमेज है वो भी मस्त उधक रहा है कार्टून, और हमारी जो लॉटी एनिमेशन है वो भी कार एनिमेशन चल रही है। तो मेरा पर्पस ये था कि आपको मैं दो जो मैं तरीके जानता था, एक GIF इमेज और लॉटी एनिमेशन, वो दोनों तरीके बताना था, तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। करना कुछ नहीं है, दोनों एक तरीका जो फॉलो कर रहे हो ना वही सेकंड तरीके के लिए भी वही है। पहले डिपेंडेंसी लेके आनी है, किस तरीके से गूगल पे सर्च करोगे लॉटी एनिमेशन वो मिल जाएगा, डिपेंडेंसी लाने के बाद आपको यहाँ डालना है ये लॉटी एनिमेशन। ऐसी GIF की इमेज अगर आपको यूज करना है तो GIF इमेज लिख देना, डिपेंडेंसी वो आ जाएगा, यहाँ डालना है। डालने के बाद उनका कोड भी मिल जाएगा आपको। और देखो एक और चीज, यहाँ पर लॉटी एनिमेशन मैंने लगाना बता दिया URL और जो रैस फोल्डर था उससे, और लॉटी एनिमेशन में इसके और भी प्रॉपर्टीज है, जैसे ऑटो प्ले ट्रू हो रखा है, लूप मतलब चलता ही रहे चलता रहे, ऑटो प्ले मतलब जैसे हमारी एनिमेशन 2 सेकंड की होगी वो खत्म हो जाए तो दोबारा प्ले हो जाए, और भी बहुत प्रॉपर्टीज हैं लॉटी एनिमेशन की, वो आपके लिए एज असाइनमेंट है, वो आपको करना है कि इसके और कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, और जो GIF इमेज है ये भी किस तरीके से वर्क करे, इसमें भी जो नॉर्मल हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं वही होती हैं, और भी एडिशनल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो हो सो आपको दोनों तरीके समझ में आए हो, लॉटी एनिमेशन प्लस GIF इमेज किस तरीके से यूज कर सकते हो। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। अगर आपको डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आकर के अपने जो भी डाउट है एंड्रॉइड के रिगार्डिंग, अपने करियर के रिगार्डिंग, यू कैन आस्क, और वहाँ पर कुछ प्रोफेशनल बैठे हैं भाई, वो रिप्लाई देंगे। और एक और बात भूलना मत, ये नॉर्मल वीडियो नहीं है, बस बना लिया देख लिया खत्म, भैया रिवॉर्ड जीत सकते हो, रिवॉर्ड जीत सकते हो, तो इस वीडियो को इम्प्लीमेंट करो, गिटहब का लिंक डालो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और फिर डेफिनेटली विल गेट द रिवॉर्ड। तो होप सो गाइस समझ में आया होगा, वीडियो को सपोर्ट करना, ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।